राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज द्वादशी के दिन मैं आपको सुना रही हूँ एकाशी व्रत पारण की कथा। बंधुओं, जो मनुष्य भी एकाशी व्रत पारण के समय इस कथा को सुनेंगे, उन्हें एकाशी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ ही इस कथा को सुने और कथा को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता अवश्य लिखें। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक नंद और उसकी भाभी थी। नंद तुलसा जी की पूजा खूब किया करती थी। वह सारा दिन तुलसी जी का नाम लेती रहती। भाभी को सारा दिन तुलसी का नाम सुन सुनकर गुस्सा आता रहता। कहती थी, इसको तो कुछ काम ही नहीं, सारा दिन तुलसी रानी ही कहती रहती है। नंद तो काम करते करते तुलसी जी का नाम लेती रहती। इसके विवाह में तुलसी ही तुलसी दूंगी और कुछ नहीं दूंगी, वह कुछ नहीं बोलती थी। सुबह शाम तुलसी जी में जल देती और तुलसी जी की आरती करती। भाभी कहने लगी, इसके लिए लड़का देखकर आओ, गरीब घर का देखकर आना। अब उसका भाई लड़का देखने के लिए चला गया। गरीब घर का लड़का देखकर आया। अब उसकी शादी के दिन आ गए। बारात की तैयारी करने लगे। बारात आ गई। उसने बारात के खाने के लिए भी कुछ ना बनाया, तुलसी जी के पत्ते ही खाने के लिए रखे। बाराती कहते कि क्या खाएं, यहाँ पर हरे हरे पत्ते ही रखे हैं। बारातियों को तुलसी के पत्ते देखकर बहुत गुस्सा आया। सब बाराती खूब जोर जोर से बोलने लगे और उठकर खड़े हो गए। उसके भाई को यह शोरगुल देखकर बड़ा दुख हुआ। लड़की को भी बहुत दुख हो रहा था। तुलसी रानी से यही प्रार्थना कर रही थी कि हे तुलसी रानी, मेरी और मेरे परिवार की लाज बचाना। वह आंखें बंद करे और यही प्रार्थना करती रही, हे तुलसी रानी, सब ठीक करना। उसने अपने भाई से कहा कि सब बाराती आंखें बंद कर लें, मैं एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाऊंगी। भाई ने सब बारातियों से कह दिया कि लड़की एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाएगी, इसीलिए सब अपनी आंखें बंद कर लें। बाराती सब कहने लगे कि ये क्या। फिर सब ने आंखें बंद कर ली। लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में चली गई। जब सब ने आंखें खोली तो देखा वहां पर पतलों पर खूब 36 प्रकार के भोजन बन गए। मिठाई पकवान तरह तरह के हो गए। सब बाराती बहुत खुश हुए। सब ने खूब अच्छी तरह से भोजन किया। ऐसा देखकर लड़की भी खुश हुई और उसका भाई आश्चर्य में पड़ गया कि यह कैसे हो गया। उसकी भाभी ने उसे कुछ भी जोड़े व सामान नहीं दिया। सब जोड़े सामान के बदले तुलसी जी ही दी। लड़की को तुलसी जी के ही कपड़े पहना रखे थे। अब बारात के जाने से पहले उसका ससुर जल्दी जल्दी अपने घर गया और जाकर अपनी बहू से कहने लगा कि बहू, कुछ भी सामान लेकर नहीं आई, तुम उसके पहनने के कपड़े जेवर जल्दी से लेकर आ जाओ। इतने में बारात आ गई, कपड़े जेवर लेकर आई। देखा बहू ने सब कुछ जेवर कपड़ा पहन रखा था। सास ससुर से कहने लगी, आप तो कह रहे थे कि बहू तो कुछ भी नहीं पहन कर आई, यह तो खूब सजी धजी व कपड़े जेवर पहन कर आई है। सब सामान भी खूब लाई है। सारा सामान देख कर सब खुश हुए। तुलसी रानी की ऐसी कृपा हुई। 2-3 दिन के बाद उसकी भाभी ने कहा कि अपनी बहन को ले आओ। अब भाई उसको लेने के लिए गया तो वह नीचे ही खड़ा रहा। उसको ऊपर जाते हुए शर्म लग रही थी, क्योंकि उसने बहन को कुछ भी नहीं दिया था। उसकी बहन ने ऊपर से देख लिया, भाई को बुला लिया, वह ऊपर चला गया। उसकी सास कहने लगी कि जिस दिन से यह आई है इसने कुछ नहीं खाया। उसका भाई बोला कि यह तुलसी जी की कहानी सुनाकर ही खाती थी, इसने तो हमें बताया नहीं, हमें कहानी सुना देती।
वह उसकी सास से कहने लगा, मौसी जी इसको भेज दो। सास बोली, हम तो नहीं भेजते, जिस दिन से ये हमारे आई हमारे तो घर में खूब आनंद ही आनंद हो रहा है। इतना दिया तुमने, हमारे तो घर से बाहर तक भर गए, हमारे तो इतनी भगवान आई है। उसने फिर ले जाने के लिए कहा, उसने भेज दिया, इतना जेवर कपड़ा लेकर आई, खूब सजी धजी आई, दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। ननद को देखते ही उसे तो खूब दुख हुआ, कहने लगी कि गरीब घर में ब्याही थी, यह तो कितना जेवर कपड़ा लेकर आई है, उस पर तो तुलसा रानी की कृपा थी। अब वह अपनी लड़की से कहने लगी कि देख, तेरी बुआ तुलसी जी की पूजा करती थी, अब तू भी तुलसी जी की पूजा किया कर, तुलसी जी में रोज जल दिया कर। अब उसका मन तो पूजा करने में नहीं लगता था। उसकी माँ उसको तुलसी जी के पास लाकर मार पीट कर डाल देती थी, उसे पूजा करने के लिए कहती, और वह कभी तो झूठा पानी कभी गंदा पानी तुलसी जी में दे देती थी। नंद तो मन से पूजा करती थी, लड़की का मन नहीं था। अब वह बड़ी हो गई, उसकी माँ ने उसके पिताजी से कहा कि लड़की के लिए लड़का देख कर आओ, अच्छे घर का लड़का देखना। वह उसके लिए लड़का देखने के लिए गया, उसने अच्छा घर वर देख लिया। अब उसकी शादी के दिन आ गए, उसने कहा इसको भी तुलसी जी के कपड़े तुलसी जी का ही सारा सामान दूंगी। उसकी माँ ने उसी तरह तुलसी जी का जेवर कपड़ा सामान दिया, बारातियों के सामने भी तुलसी जी के पत्ते रखे। पत्ते देखकर सब बाराती कहने लगे कि ये पत्ते रखे हैं क्या खाएं क्या नहीं। बारातियों को बहुत गुस्सा आया, वह बोलते हुए खड़े होकर जाने लगे। लड़की की माँ ने कहा इसको भी एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाने को कहो, बाराती आंखें बंद कर लेंगे। बारातियों ने आंखें बंद कर ली, लड़की एक कमरे में से दूसरे कमरे में चली गई। बारातियों ने आंखें खोल कर देखा तो वहां पर पतलों पर डले बन गए। सारे बाराती बोल बोल कर उठ कर चले गए, भूखे प्यासे गालियां देते हुए चले गए। अब वह तो तुलसी जी की पूजा में मन नहीं लगाती थी, ना ही वह तुलसी जी की पूजा मन से करती थी, अपनी माँ के कहने से जबरदस्ती करती थी। इसलिए तुलसी जी ने ऐसा फल दिया, वह ससुराल चली गई। ससुराल में इसका सारा सामान जेवर कपड़ा जोड़े तुलसी जी के ही रहे। सब कहने लगे बहू तो कुछ भी नहीं लाई, उनके घर में जो सामान था उसमें भी कमी आ गई, उनके घर में कुछ भी नहीं रहा। उसकी माँ ने कहा अब तो लड़की को ले आओ। अब वह उसको लेने के लिए गया तो उसकी सास ने कहा इसको भेज दो। वह कहने लगी यह तो ऐसी कमबख्त आई, हमारे घर में जो था सब खत्म हो गया, कल का ले जाता अभी ले जा। वह उसको लेकर आ गया। उसकी माँ ने देखा वह तो कुछ भी जेवर कपड़ा अच्छा नहीं पहन कर आई, कहने लगी अपनी बहन के लिए तो इतना अच्छा घर वर देखा और इसके लिए क्या देखा। वह कहने लगा कि जैसा मेरी बहन ने किया वैसा फल मेरी बहन को मिला, जैसा तेरी लड़की ने किया वैसा फल तेरी लड़की को मिला। तुलसा रानी की तो ऐसी ही कृपा है, जो जैसा करता है वैसा ही फल उसको देती है। जय तुलसा महारानी की जय। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो घर की पटरानी। बंधुओं, आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। बंधुओं, आप भी रोजाना तुलसी जी के पौधे में जल दें, शुद्ध घी का दीपक माँ तुलसी के सामने लगाएं और माँ तुलसी की कथा कहें और आरती कहें। बंधुओं, देखना आपके घर में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।